कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। हम यहाँ पे फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है क्वार्टरली, है ना। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चे कुछ सेक्शन दिख रहे हैं। सेक्शन 16 जो लिखा है इसमें डेफिनेशन लिखा है, तो इसको स्किप करके अगर आप 17 देखो, आप यहाँ पे 17 देखो, 17 में क्या लिखा है, बोर्ड कॉम्पोजिशन। एक लिस्टेड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, ये सेक्शन 17 के 1 में बताया है। 17 के 1 के ए में क्या बताया बच्चा, बोर्ड का एकदम साइज बताया, कॉम्पोजिशन में एक तरीके से बताया हुआ कौन चेयरमैन रहेगा, क्या कैसा रहेगा, और साइज में नंबर्स बताए होंगे, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी में विमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट क्या कैसे होगा बताया है, मिनिमम नंबर ऑफ कितने डायरेक्टर्स होंगे, लिस्टेड कंपनी के आउटस्टैंडिंग एसआर जहां पे भी आएगा, सुपीरियर वोटिंग राइट्स आपको याद आने चाहिए, सुपीरियर वोटिंग राइट्स, एक एसआर बार बार आएगा, इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझाऊंगा। मिनिमम एज एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या होगी, इन शॉर्ट बस मैं कह रही हूँ यहाँ सेक्शन नंबर और उसका कंटेंट यहाँ पे लिखा है। कहाँ से चालू हो रहा है, सेक्शन नंबर 17 से, खत्म कहाँ हो रहा है बच्चा, यहाँ देखो 47 में अभी बोल रहा हूँ, 17 से कहाँ तक, 17 से कहाँ तक बच्चा, 27, याद करने का तरीका बता रही हूँ। 17 से स्टार्ट कर रहे, कहाँ से, 27, इसके अलावा एक 46 भी आ रहा है, और उन्होंने कहा शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 5 में पार्ट सी डी ई, मैंने आपको तीन चीजें बताई, मैंने बोला 17 से लेकर 27, फिर मैंने बताया 46, फिर मैंने आपको बताया शेड्यूल एक फिफ्थ है जिसका पार्ट सी डी ई। इन सब को हम बोलते बच्चा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिपोर्ट तैयार होगी ना उसमें इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट तैयार कर रही हूं तो मैंने ये सारी चीजें क्या कर ली है बच्चा, चेक कर ली है कि कंपनी ने ये सारे काम एज पर रूल्स रेगुलेशन किए, क्या ये बात समझ में आ रही है। कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना रखी है, कंपनी ने नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बना रखी है, कंपनी ने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बना रखी है। ये सारी चीजें कहां से लिखी है, 17 से लेकर 27 तक, और 46 लिखा है, और साथ में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 5 का पार्ट सी डी ई। ये सारे काम कर रखे हैं, किसी की रिपोर्ट तैयार होती है, दैट वाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आ जाइए पढ़ के आ रहे हैं बच्चा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, रीड कर लो। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, कंप्लाई करना है सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हर लिस्टेड कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लाई करना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किन चीजों का कंप्लाई करना है, उन्होंने बोला भैया रेगुलेशन 17 से लेकर 27, मैंने बस 46 बोला आपको, लेकिन एकदम डिटेलिंग में जाओगे तो यहाँ पे भी 46 का 2 लिखा है, और डिटेलिंग में जाओगे तो 46 के 2 का इन्होंने क्या बोल दिया, क्लॉज बी से लेकर क्या बोल दिया आई तक, मैं कहूँगी इतनी डिटेल में मत जाओ, आपको क्या याद रखना है कौन सा रेगुलेशन 17 से लेकर 27 और 46 में जो भी बोल रखा है, ठीक है, 2 अगर याद होता तो बढ़िया। फिर शेड्यूल 5 का एलओडीआर का सी डी और ई। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ नहीं, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेके कंप्लायंसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, उनकी क्वालिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, इनकी खुद की कमी थी, ये सारी चीजें है, क्या बात समझ में आ रही है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर कंपनी में अच्छा होना चाहिए, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसकी रिपोर्टिंग अच्छी है, तो आपकी कमी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यहाँ अभी बस हेडिंग्स है, यहाँ बस क्या हेडिंग्स है, अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए बच्चा आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेडिंग में क्या लिखा है, एक्सेप्शन लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, बोले तो इक्विटी और कन्वर्टेबल। इन्होंने कहा अगर लिस्टेड कंपनी ने क्या लिस्ट कर रखा है बच्चा, स्पेसिफाइड इक्विटी और कन्वर्टेबल, उनको हम क्या दे रहे बच्चा, एक्सेप्शन दे रहे, मतलब क्या दे रहे, रिलैक्सेशन दे रहे। रेगुलेशन 15 बोलता है, उसका सबसेक्शन 2 बोलता है, सब रेगुलेशन 2 बोलता है एलओडीआर का। अभी मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां से चालू होते, 17 से 27, 46 और शेड्यूल 5 का सीडीई बताया, लेकिन इससे पहला रेगुलेशन एक 15 है, 15 का 2 बोलता है
कि भैया लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, वही सेम रिपीट है, सेम रिपीट है। तो हर लिस्टेड कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, कुछ एक्सेप्शन है, इनको करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच बातें बताई। कितनी बातें बताई बच्चा? पांच बातें। इन पांच बातों में, इन पांच बातों में इन्होंने कहा कि किस कंपनी को रिलैक्सेशन दे रहे, मतलब इन कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा कोई छोटी मोटी कंपनीज होंगी, बड़ी कंपनीज तो नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पीछे बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी बैकअप भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो छोटी मोटी कंपनी को रिलैक्सेशन दे दिया। ये छोटी मोटी कंपनी कौन है? हर लिस्टेड कंपनी, वो हर लिस्टेड कंपनी क्या लिखा है, जिसका इक्विटी लिखा है, पेड अप कैपिटल और पेड अप इक्विटी कैपिटल में डिफरेंस है, पेड अप इक्विटी और पेड अप कैपिटल। इक्विटी अगर मैंने कैपिटल बोला तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है, यहाँ इक्विटी है याद रखना लिखते वक्त, ओनली इक्विटी। कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब 10 करोड़ से कम, छोटी कंपनी, एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन साथ में। इस कंपनी का नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, मतलब जिसका पेड अप इक्विटी 10 करोड़ से कम, जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ से कम। कब देखेंगे? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। ये लिखना भूल जाओगे तुम लोग, लिखोगे जिसका ना पेड अप दीदी 10 से कम है, 25 से कम है नेटवर्थ, वो अरे भाई कब का देख रहे हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब छोटी कंपनी, इससे ऊपर वाली कंपनी को रिलैक्सेशन नहीं है। तो क्या सारी कंपनी को ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है क्या? नहीं, उनको करना है जिनका पेड अप इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है एंड नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी, एक हुई और एक नहीं हुई, एक हुई और एक नहीं हुई, तो करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो छोटी कंपनी को बोलते हमने रिलैक्सेशन दे दिया, किससे? सेम वही जो भी हम पढ़ रहे, किससे रिलैक्सेशन दिया बच्चा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। बस उन्होंने ये क्या लिख दिया, 76 और वही शेड्यूल, इससे हमें आपको दे दी छूट, मतलब आप अपनी मर्जी से बना दीजिए, उसमें जितनी भी बातें लिखी आपको वो सब फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से सिस्टम्स को बना सकते हैं। उसमें अगर लिखा है कोई लिमिट लिखी कि भैया आपको 15 बनाने, 15 से ज्यादा नहीं बना सकते, ये लोग कम ज्यादा, ये इनकी खुद की मर्जी। बात समझ में आई? क्या बोला है अभी आगे चल के पढ़ाऊंगी, अभी ये कह रहे कि जो भी हम पढ़ने वाले इनको पहले ही छूट है। समझ में आया? कॉर्पोरेट, हाँ ये वाली चीजें नहीं, बाकी मानने हैं क्योंकि लिस्टिंग हो, लेकिन ये वाली हमें आपको छूट देंगे। कौन सा सेक्शन? 76, 46 और शेड्यूल 5 के सीडीई, ठीक है। लेकिन मान लो बच्चा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है, हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखा, हमने अप्रैल में देखा भाई हम पे तो एप्लीकेबल नहीं, हम तो छोटे, लेकिन इस बीच हमने अपना पेड अप इक्विटी कैपिटल बढ़ा लिया या फिर नेटवर्थ बढ़ गई। बीच ड्यूरेशन में अगर ऐसा होता है कि ये लिमिट हम क्रॉस कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा अब तो लगेगा, बिकम एप्लीकेबल लेकिन लेटर डेट। हमने अप्रैल में देखा, क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, बच गए। जून जुलाई में देख लिया, जुलाई में देख लिया हमने कि यार हमने ये लिमिट क्या कर दी, क्रॉस कर दी। पहले हम 9 करोड़ थे, अचानक से हम 10 हो गए, पहले हम 24 थे, अचानक से हम 26 हो गए, लिमिट क्रॉस हो गई। लेटर डेट से बाद तो उन्होंने कहा आपको हमने टाइम दे दिया, कंप्लाइंसेस कर लेना विद इन 6 मंथ। जुलाई में अट्रैक्ट हो गए, जुलाई में लिमिट क्रॉस हो गई, तो अब उन्होंने क्या बोला, 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में जो भी रूल्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कर लो, जो भी सारी बातें लिखी हैं वो फॉलो करो, 6 महीने का टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया बच्चा। क्या बात समझ में आई? पहली बात हम कह रहे हैं जो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी से मतलब 10 करोड़ से कम है पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड नेटवर्थ 25 करोड़ से कम है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बाद में अगर लिमिट बढ़ जाती है तो 6 महीने का टाइम लो, फॉलो करो पूरा का पूरा। नेक्स्ट, एक बार जुलाई में ट्रैक हो गई, हमने 6 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फुलफिल कर लिया, जनवरी में लिमिट फिर से इधर हो गई। बच्चे यहां तक समझ में आया? अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ध्यान दो, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया था, 6 महीने के अंदर कंप्लाइंसेस कर लिए। मान लो जनवरी में हमने कुछ बाय बैक करने का सोचा, कुछ भी ऐसा किया जिससे हमारी क्या हो गई, लिमिट फिर से कम हो गई,
तो बच्चा इन्होंने कहा एक बार अट्रैक्ट हो गई ना, अब उसके बाद भैया हम नहीं रुकने देंगे. वंस द अबव रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, एक बार एप्लीकेबल हो शैल बी कंटिन्यू, लेकिन कब तक? कॉन्सिक्यूटिव बोले तो लगातार. एक फाइनेंशियल ईयर में अट्रैक्ट हो गई ना तो लगातार 3 साल तक तो फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद हम देखेंगे, अब कम है तो फिर मत करो, लेकिन फिर से देखा कि बढ़ गई तो बच्चा करते रहो करते रहो. तो इन शॉर्ट, एक बार रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गई है तो ये कंटिन्यू हो जाएगी. रिड्यूस जो आपकी लिमिट हो गई है, इससे हमें 3 साल तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बात समझ में आ गई? पढ़ क्या रहे हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस किस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. छोटी कंपनी जो कि 10 करोड़ से कम है उनका पेड है, और 25 करोड़ से कम है उनका नेटवर्क. क्लैरिटी है? फिर उन्होंने बोला एक बार अगर हो गई लेटर डेट से, जब भी होगा 6 महीने का हम टाइम देंगे, क्योंकि कंप्लाइंस बहुत सारा है इससे 6 महीने. लेकिन बच्चा ये बार बार अपडाउन होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी? उन्होंने कहा भैया हमें बहुत दिक्कतें आने वाली, इसलिए हमने एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो 3 साल तक लगातार आपको फॉलो करना पड़ेगा. नीचे फटाफट एक क्वेश्चन है उसको रीड करो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो इन शॉर्ट बच्चा कुछ नहीं, 9 करोड़ लिखा है और 26 करोड़ या इसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो रहा है और ये हो रहा है, लेकिन हमने साफ साफ पढ़ा था बोथ कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, तो भैया इस एबीसी लिमिटेड में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की जरूरत है? नहीं. रिलैक्सेशन, अभी तो ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ने बोला कि भैया कंपनी लिस्टेड है, लेकिन कहां लिस्टेड है? मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ही छोटी कंपनी. यहां पर लिस्टेड है मतलब मेन बोर्ड में होगी, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन्होंने कहा कंपनी ही छोटी है, अगर कंपनी छोटी तो इन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है. दो पॉइंट समझ में आ गए. तीसरा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बच्चा सब कनेक्टेड पॉइंट है. थर्ड और फोर्थ दोनों कनेक्टेड है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको शॉर्टकट में IRP प्रोसेस बोलते हैं. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या आपने IBC का नाम सुना है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड. कंपनी अगर बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, तो बच्चा उस पे अप्लाई होता है IBC. IBC बोलो तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड. ठीक है, चलिए ये कोड क्या करता है, कंपनी को बचाने का ट्राई करता है. कोई भी कंपनी IBC पे चली गई है, ठीक है, इस पर IBC का कोड लग रहा है, मतलब कंपनी बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई, उसको क्या करें हम, बचाने का ट्राई करें. अगर कंपनी बच गई तो वापस आ जाएगी, कंपनी नहीं बची तो कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? क्या यस कंपनी को जानते, यस बैंक को जानते? एक्चुअल में उसमें IBC लग गया था, उसमें IBC लग गया था, उस कंपनी को बचाने का ट्राई किया और कंपनी बच गई. कंपनी को कैसे बचाने का ट्राई किया, SBI बैंक ने क्या किया, भैया हम इसके शेयर्स खरीदे, हम टेकओवर कर लेते हैं, ये कंपनी बर्बाद हो रही है, हमें बचाना है. तो हमेशा कंपनी को पहले बचाने का ट्राई किया जाता है, लेकिन जब कंपनी को बचाने का ट्राई किया जाता है तो उस पर एक प्रोसेस चलती है. कानून का नाम है IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड, ये कानून है, जो कानून लगेगा. इस कानून के तहत एक प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. नाम पर ही जाओ, कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, इसे हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे, ठीक कर रहे. इंसॉल्वेंसी को ठीक करने की प्रोसेस है. ये प्रोसेस फॉलो करने आते हैं 3 लोग, CA, CA, CMA, ये तीनों कर सकते हैं ये काम. मतलब वेरी गुड, इन्हें हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या फिर क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. नाम पे जाओ, इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल से या फिर रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्व कर रहे, ठीक कर रहे. तो बच्चा SBI के पास अप्रोच किया होगा कि भैया खरीद लो, ये ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया होगा. तो IBC की एक प्रोसेस चलती है बच्चा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलती है. ठीक है, या तो ये प्रोफेशनल क्या होता है, देखो ये भी लिखा है इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दोनों एक ही होते हैं. इंटरम मतलब भी थोड़े टाइम के लिए आया है और परमानेंट हो गया, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो इन लोगों ने दोनों नाम यूज कर रखे. ये काम कौन कौन कर सकता है, CA, CA, CMA, याद रखना, सब प्रैक्टिसिंग होंगे, ऑब्वियसली जॉब वाले नहीं होंगे. ठीक है, इसके लिए अलग से एक पेपर देना पड़ता है इस ऑफिसर के बनने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं CS हूँ, मुझे अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है तो इसका एक छोटा सा और पेपर होता है, जो कि पूरा पूरा किस लॉ को लेकर आएगा, IBC. IBC बींग अ स्टूडेंट, अभी आप भी पढ़ोगे. ठीक है, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें एक सब्जेक्ट है सेटिंग अप, उसमें आप IBC पढ़ोगे. ठीक है, फाइनल में और डिटेल में पढ़ोगे, पूरी प्रोसेस आप समझोगे, तो आपको ये सब अच्छे से समझाया जाएगा.
तो आप सीएस के लेवल में ही पढ़ लोगे, और अगर आपको ये प्रोफेशनल है ना, ये ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए एक और आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन पहले आप सीएस बनोगे तब वो करोगे। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब आप ये बनोगे और ये सारे काम करवाओगे, कंपनी खत्म होने के कगार में आ गई है, बचाने का ट्राई किया जा रहा है, बच गए तो वापस कंपनी के फॉर्म में आएगी, कंपनी नहीं बची तो क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप या फिर डिसोल्यूशन, यही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अब बच्चा हम क्या पढ़ रहे, कंपनी लिस्टेड थी, कंपनी क्या थी, लिस्टेड। अब एक लिस्टेड कंपनी में खतरा आ गया है, उस पर क्या चल रहा है बच्चा, आईबीसी में चली गई है वो, उसकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब मुझे बताओ, उस कंपनी को बचाने का ट्राई कर रहे, तो क्या वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उनके डायरेक्टर नालायक, वैसे ही बर्बाद डायरेक्टर थे, उन्होंने डुबाया है ना कंपनी को। कौन डुबाता है, कौन चला रहा है कंपनी को, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने बर्बाद किया। तो क्या ये सारे काम कर पाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? नहीं। तो रिलैक्सेशन मिलेगी? हाँ। इन्होंने कहा भैया इनको तो बहुत सारे लॉस ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, रीड करो, रेगुलेशन 17 इज नॉट एप्लीकेबल, रेगुलेशन 17 एप्लीकेबल नहीं होगा। रेगुलेशन 17 किसका? सेबी के एलओडीआर का। ठीक है, ड्यूरिंग कब एप्लीकेबल नहीं है, जब कंपनी में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है। इसका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे नहीं कि भैया 3-4 साल तक यही चल रहा है, जल्दी से जल्दी कंक्लूजन में आना पड़ेगा ना, एक ड्यूरेशन होता है ठीक करने का, उसमें बच गई तो बच गई, नहीं तो फिर गई। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, इन्होंने कहा जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे किसके बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी स्पेसिफाइड है बच्चा अंडर द रेगुलेशन 17 शेल बी फुलफिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी 17 में लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पूरी लिस्ट में लिखा है, ये सारे काम अब कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर कौन आ गया है, प्रोफेशनल्स आ गए, ये प्रोफेशनल सीए सीएस सीए में होंगे, ये प्रोफेशनल फुलफिल करेंगे वो सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे। बात समझ में आई? हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नलायक को निकलो यहाँ से, तुमने कंपनी को बर्बाद किया है, अब प्रोफेशनल बैठ जाएंगे वहां, इस कंपनी को ठीक करने का ट्राई किया जाएगा। तो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसकी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो काम अब कौन कर रहा है, प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये नाम यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरिम या फिर रेजोल्यूशन, एक ही बात है, टेम्परेरी परमानेंट का बस फर्क है। इन्होंने कहा ये कैसे काम करेंगे, इन्होंने कहा 17 से लेकिन 23, लेकिन ये 17 और 23 सेक्शन नंबर लिखा है, रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन था तो सेबी के एलओडीआर, सेक्शन 17-23 किसके, इंसॉल्वेंसी कोड। तो यहां भी 17 वहां भी 17, कंफ्यूज मत होना, ये कोइंसिडेंस है कि 17-17 आ गया है, ये सेक्शन 17 और 23 जो आईबीसी का लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल काम करेंगे, वो भी अपनी मनमानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये बता रही हूं, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी में क्या चल रहा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है, बचाने का ट्राई चल रहा है, तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन 17 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अभी बस 17 की बात करी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बस 17 रेगुलेशन आता है, 17 से लेकर 27, 46, शेड्यूल 5 का सीडी, इन्हों का बस 17 नहीं फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, 17। अब तुम देखो 17 की लगातार, ये देखो कितने 17 है, 17 तक बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कनेक्टेड ही है, फिर क्या लिखा है, 18, 19, 20, 21 नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखा है, मतलब 17 भी नहीं करना है, 18, 19, 20, 21 भी नहीं करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी जो कि इसमें चली गई है, तो इसलिए मैंने क्या कहा था, थर्ड और फोर्थ को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ में दोनों में एक ही बात करें, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है ना, 17 करो ना, 18 ना, 19 ना, 20 ना, 21। क्लियर है बच्चा? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा बच्चा, वही प्रोफेशनल्स। कुछ अलग बोला क्या, मतलब 21 तक नहीं करना, मतलब उसके बाद के 27 तक करने, 46 भी करना है और शेड्यूल भी फॉलो करना है। समझ में आ गया बच्चा पक्का? पॉइंट नंबर वन बोलता है कुछ भी फॉलो नहीं करना, अगर छोटी कंपनी है, एसएमई में है तो मतलब छोटी कंपनी है, कुछ भी नहीं करना। थर्ड और फोर्थ बोलता है 17 से लेके 21 तक नहीं करना है, अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब बाकी कर सकते हैं, जो बोला है जिसके लिए बोला है ये नहीं करना, जो नहीं बोला मतलब वो कर सकते हैं, ये लॉ का इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ठीक है, चल अब नॉट विथ स्टैंडिंग, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मेरे सामने कोई स्टैंड नहीं करेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन अंडर रेगुलेशन 15 का सब रेगुलेशन 2, 15 का 2 क्या बोल रहा था,
हम रिलैक्सेशन दे रहे, 15(2) बोलता है रिलैक्सेशन दे रहे, ठीक है। चलिए, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल बी कंटिन्यू अप्लाई वेर एवर एप्लीकेबल। इन्होंने क्या बोलते हैं भैया, 15(2) भगयान से बाकी कंपनीज एक्ट तो फुलफिल करेंगे, नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी को कंपनीज एक्ट फुलफिल तो करना पड़ेगा। तो ये चिल्लर से बस बात बीच में डाल दी। बाकी इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो 4 तक ही था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में छूट मिली है, तो पहले लिस्टेड कंपनी जिसका 10 करोड़ और 25 करोड़ से कम था पेड अप और नेटवर्थ, दूसरा एसएमई में लिस्टेड कंपनी, एसएमई वाली छोटी कंपनी और जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही है, थर्ड और फोर्थ इंसॉल्वेंसी था। अब वो 17 को लेके बोला था और ये 18, 19, 20, 21 खत्म, बात समझ में आ गई पक्का। और ये चिल्लर से बात क्या बोल दी भैया, नॉट इन एनी प्रोविजन अंडर रेगुलेशन 15(2) कंपनीज एक्ट पे स्टैंड, कंपनीज एक्ट को बोलते भैया वो तो फॉलो करो ना, बाकी की भी रिलैक्सेशन दे रखी है उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। कंपनी है, कंपनीज एक्ट में कम रेगुलेशन है वो फॉलो कर लो, ज्यादा में आपको भले ही छूट मिल गई। क्लियर है बच्चा पक्का? तो यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, फटाफट मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन सा सेक्शन कहां तक है, यस और नो पता चल गया। अब ये भी पता चल गया किस किस को कंप्लाई नहीं करना है। कैटेगरी समझो तो तीन ही है। पहला क्या है, लिमिट से कम है, एसएमई वाले और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बस उसी के दो पॉइंट बढ़ा दिए है ना। अब इन्होंने कहा चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब चालू कर रहे, इसके की प्रोविजन स्टार्टिंग से अगर मैं कहूंगा तो 17 से लेकर 27 है, फिर 46 है, फिर शेड्यूल 5 है, सब बताया क्या नहीं। इन्होंने कहा सुनो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। चलिए तो यहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मतलब कौन सा रेगुलेशन है बच्चा, 17। आपकी बुक में रेगुलेशन नंबर नहीं डाले, कहीं कहीं डाले कहीं कहीं नहीं डाले, तो रेगुलेशन 17 स्टार्ट करते। चलिए अब 17 में क्या लिखा है बच्चा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव और दूसरा डायरेक्टर होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन करना जो कि फुल टाइम दे रहा होगा कंपनी को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो फुल टाइम देता है, नॉन एग्जीक्यूटिव इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। ये डे टू डे में बच्चा काम कर रहा होगा, हैंड्स ऑन होंगे, और ये क्या बोलता है भैया डे टू डे में नहीं होगा। इसने बोला ये एक तरीके से कंपनी का क्या है, एम्प्लॉई है। इसने बोला भैया तो पार्ट टाइम है, एक तरीके से क्या बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका कंपनी के साथ अगर ये एम्प्लॉई है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा, और ये क्या बोल रहा है भैया इसका अपॉइंटमेंट का लेटर दिया होगा जो कुछ ड्यूरेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ये क्या लिखा है बच्चा नॉट इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा बच्चा ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये क्या होंगे बच्चा इंडिपेंडेंट ही होंगे। इनकी कुछ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंप्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनकी क्या बच्चा नॉन एग्जीक्यूटिव है। ये एक तरीके का कंपनी का इंटरनल डायरेक्टर है, और ये क्या है एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी लॉ में कहीं भी कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा है, कहीं कोई मीनिंग बताया नहीं है, लेकिन ये इनकी वर्किंग से समझ में आता है, कहीं किसी लॉ में ये नहीं लिखा है, लेकिन इनके कामों से समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक तरीके से कंपनी के अंदर का बंदा है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के बाहर का बंदा है। अब मुझे ये बताओ ज्यादा फेयर कौन रहेगा, बाहर वाला, अंदर वाला तो कंपनी का सगा होगा, कंपनी की कमियों को छुपाएगा। आप हमेशा नोटिस करो बाहर के बंदों को रखा जाता है ताकि कंपनी ज्यादा बेटर तरीके से काम करे और शेयरहोल्डर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी ऑब्वियसली। चले, इन्होंने कहा कि हर लिस्टेड कंपनी जिनको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करना है उनको साफ साफ बोल दिया भाई सुनो तुम्हारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम रहेगी ना उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। सबरे एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए क्योंकि भैया अब आपकी गलतियों को कौन बताएगा, कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का। क्या बात समझ में आई, वो नहीं आया। चलिए, एम्प्लॉयड बच्चा पूरा दिन काम दे रहा है, ध्यान दो वापस दो, एम्प्लॉयड लिखा और सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं कुछ और बिजनेस भी कर रही हूं और कंपनी में जाकर एक तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूं, मतलब मैं खुद के पैरों पे हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं बोले तो,
कंपनी का नौकर नहीं है, ये कंपनी का नौकर है, बस ये वाली बात है। लेकिन ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कौन रखेगा? सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि भैया ये कहेगा मुझे तो रखा ही इसलिए ना आपके कामों को देखने के लिए। तो इन्होंने कहा भैया एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे सारे एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंपनी के ज्यादा सगे हो जाएंगे। लेकिन फुल टाइम वाले भी तो होने चाहिए ना, सभी पार्ट टाइम दे रहे तो कंपनी को चला कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। एटलीस्ट उसमें से वन क्या लिखा है, हम कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे लड़के नहीं होने चाहिए, लड़कियां भी होनी चाहिए एटलीस्ट एक, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय है, स्टाफ है, उन लड़कियों की बात कौन सुनेगा, कहीं कहीं पूरा मेल फैक्टर ना हो, मेल डोमिनेटिंग ना हो, लड़कियों की भी बात रखने वाला हो, उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मिक्स, और एटलीस्ट उसमें एक वुमेन डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे गर्ल्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी है, पहले नहीं था, पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट करके लेकर आए, समझ में आए। नॉट लेस देन क्या लिखा है, नॉट लेस देन बोलू तो मिनिमम बोल दू, मिनिमम 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होना चाहिए, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम बोला, चाहो तो पूरे बाहर के रख लो, लेकिन लेकिन मुश्किल होगा, मुश्किल होगा है ना, लेकिन कोई लिमिट है क्या, नहीं, चाहो तो रख सकते हो, फिर कंपनी समझे भैया कैसे काम होगा। लेकिन क्या इन्होंने ये बोला कि भैया एग्जीक्यूटिव रखो पूरे पूरे, नहीं, क्योंकि हमें दोनों का मिक्स चाहिए। तो बच्चा कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पोजिशन बोलता है दोनों का मिक्स, और एक क्या होना चाहिए, एक मिनिमम, एक और रखने तो रख लो, पूरे रखने तो रख लो भाई, ठीक है। और ध्यान रखना मिनिमम हमें नॉन एग्जीक्यूटिव कितने चाहिए, 50 चाहिए, अगर 10 है, 10 है तो 5 क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव रखो जितना आपको एग्जीक्यूटिव रखना है, ठीक है, और बढ़ाना है तो बढ़ा दो। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने कहा टॉप, बच्चा आप बार बार देख रहे हो टॉप 1000, टॉप 500, ये किस बेसिस में होता है, मैंने क्राइटेरिया बताया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कैलकुलेशन है जिसमें जिसमें कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है, इस वैल्यू के बेसिस में जो टॉप कंपनीज होंगी, वन से लेकर क्या लिखा है, टॉप 500 लिस्टेड जो कंपनी आएंगी इनमें, उनको बोल दिया भैया तुम्हारे इसमें तो एक क्या होना चाहिए, इन्होंने बोल दिया एक विमेन डायरेक्टर तो सबको रखना है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव में भी दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक पार्ट टाइम होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, एक पार्ट टाइम होता है और एक इंडिपेंडेंट। मैंने अभी जब आपको डिफरेंस बताया तो मैंने कहा था इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एकदम इंडिपेंडेंट है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ते हैं, तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन्होंने कहा भैया अगर आप टॉप 500 लिस्टेड कंपनी में आते हो तो आपको नॉर्मल डायरेक्टर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बस विमेन डायरेक्टर रखा है, ये एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, अब इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नॉन इंडिपेंडेंट भी। इन्होंने बोल दिया भैया आपके लिए तो क्या चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कहीं ना कहीं कंपनी की सगी होगी ना, तो हम क्या चाहते हैं एकदम इंडिपेंडेंट, अगर टॉप 500 के आते हैं लिमिट में। ये कब था बच्चा, 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग था, अब इन्होंने बोल दिया 2020 का डेटा बदल गया, अमेंडमेंट आते रहते हैं, इन्होंने कहा अमेंडमेंट आया, कब अमेंडमेंट आया, 2020 में उन्होंने 500 की लिमिट को खत्म करके क्या कर दिया, टॉप 1000 की लिमिट में जो आएगा उसे रखना पड़ेगा, क्या बात समझ में आई। अभी आप पेपर कब दोगे 2023 में, अमेंडमेंट आता है तो बता दिया जाएगा, अमेंडमेंट नहीं आता तो आपके लिए कौन सी लिमिट है, आपके लिए 500 एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपके हिसाब से आपको तो अपडेटेड वर्जन पता होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन के हिसाब से वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर किस कंपनी को रखना है, जो कि टॉप 1000 कंपनीज होगी। ये टॉप 1000 कंपनी का कैलकुलेशन कहां से आता है बच्चा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के कैलकुलेशन से। क्लियर है बच्चा, पक्का? तो प्लीज 500 आपको याद नहीं रखना, आपके लिए वो लिमिट अब 1000 हो गई है। ये क्या है, रेगुलेशन 17 जो बोलता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब बच्चा जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, बताइए। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, ऑलरेडी एक वुमेन डायरेक्टर है लेकिन टॉप 1000 में आ रही है, अब आपसे पूछा जा रहा है अनदर की जरूरत है, तो आपका आंसर है यस, दूसरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं। क्लैरिटी है, चल बच्चा यहां एक हेडिंग दिख रही है, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी जो है इससे कनेक्ट ही है, ठीक है।
इन्होंने बोला आपकी कंपनी में एक क्या होना चाहिए बच्चा, चेयरमैन कौन है, ठीक है, चलिए चेयरमैन बोले और फिर कॉम्पोजिशन उस हिसाब से चेंज होगा। इनके चेयरपर्सन क्या है बच्चा, कंपनी का सगा है क्या? नहीं है। अगर कंपनी का ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपने क्या बना दिया है, चेयरमैन बना दिया, मतलब फेयर बंदा बैठा दिया है, ये बोल सकते हैं। अगर फेयर बंदा बैठा है तो उन्होंने बोला कि आपकी जो बाकी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम होगी ना, उसमें एक काम करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी बैठाना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बच्चा नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव एक तरीके से पार्ट टाइम है, इंडिपेंडेंट भी पार्ट टाइम है। मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता भी है और नहीं भी, ये पार्ट टाइम है लेकिन कंपनी का सगा भी तो हो सकता है। क्या बात समझ में आई? चलिए, इन्होंने कहा आपका एग्जीक्यूटिव ही क्या है बच्चा, सॉरी आपका चेयरमैन ही क्या है बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आप अपनी कंपनी के कंपोजिशन में कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे तो भी चलेगा। कितने रखने से चलेगा बच्चा? 1/3 रखिए बच्चा। अगर मैं ये बोलूं पॉइंट फिगर को अभी कंसीडर नहीं कर रहे है ना, 12 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर है 12, इसका मुझे 1/3 बताओ कितना होता है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। क्या ये बात समझ में आई? अभी कनेक्ट कर रही हूँ नीचे से। इन्होंने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने देखा वो आपका क्या है बच्चा, प्रमोटर भी है, अब कंपनी का सगा हो गया। हमने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो प्रमोटर नहीं है, चेयरपर्सन जो है वो क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, है ना। तो इन्होंने कहा ये तो फेयर बंदा होगा, अगर ये फेयर बंदा है तो आप एक काम करिए, 12 डायरेक्टर है उसका 1/3, 4 डायरेक्टर रख लीजिए चल जाएगा, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन हमें जैसे ही पता चला वो बंदा क्या है, प्रमोटर है, अब प्रमोटर है तो सगा हो गया, तो अब हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ज्यादा बना रखना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। तो इन्होंने कहा कितने चाहिए, हाफ। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 12 का हाफ करो कितने, 6, इसमें 4 से ही काम चल रहा था और यहाँ पे क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि बच्चा, क्योंकि चेयरपर्सन क्या है बच्चा, मेन बंदा जो है वो कंपनी का सगा है, तो हमें डायरेक्टर की टीम में बाहरी लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि फेयरनेस आ सके। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? या फिर वो प्रमोटर नहीं है लेकिन प्रमोटर से क्या है, रिलेटेड है, मतलब उसकी सुनेगा, रिलेटिव मतलब रिलेटिव हो गया, ठीक है। प्रोफेसर को बैठा दिया मैंने या खुद बैठ गई मैं, रिलेटिव, या पर्सन ऑक्यूपाइंग, या फिर वो कोई मैनेजमेंट में पोजीशन रखता है, लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब वो कहीं से भी वापस चेयरपर्सन है, या तो वो प्रमोटर है, या तो प्रमोटर है, या फिर बच्चा प्रमोटर में से कोई एक पोजीशन रखता है, मतलब वो कंपनी का सगा है। कहीं से भी पता चलता है वो कंपनी का सगा है तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ा देंगे, हाफ कर देंगे बच्चा। तो इसमें दोनों में एक ही बात है, वापस हम पढ़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन एकदम बाहर का बंदा, फेयर बंदा है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें पता चलता है वो प्रमोटर है, या प्रमोटर से रिलेटेड है, या कोई भी एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहा है जो कि शो करती है कि वो कंपनी के अंदर का बंदा है, तो हम फिर हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फेयरनेस दिखानी है। इनकेस कंपनी लिस्टेड एंटिटी है और इस लिस्टेड कंपनी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो क्या बच्चा, रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं मतलब एक फिक्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, वापस रेगुलर होना मतलब फिक्स, रेगुलर होना मतलब फिक्स। अब रीड करो, लिस्टेड एंटिटी में कोई फिक्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, बार बार क्या होता रहता है बच्चा, बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा बार बार बदलते रहते हैं तो फिर ठीक है, इतना बदलाव होगा तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, हाफ चाहिए। बात समझ में आई? एक ही केस में कम है जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहीं से भी लिंक नहीं करता है। बात समझ में आ गई? लॉजिक बस यही है, चेयरपर्सन सबसे मेन होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। मुकेश अंबानी हमारा चेयरपर्सन है लेकिन क्या वो प्रमोटर है? हाँ, अगर वो प्रमोटर है तो उसके कंपोजिशन में बाहर के डायरेक्टर ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, हाफ होंगे। क्यों? क्योंकि भैया अंबानी, अंबानी चेयरपर्सन भी और बच्चा प्रमोटर भी है, तो भैया वो थोड़ी सी चीजों को छुपाना चाहेगा। बाहर का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हाफ होंगे उसकी कंपोजिशन में, तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन ज्यादा लीक होगी, ज्यादा लोगों को पता चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया पक्का? एक बार और चलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है,
लिस्टेड कंपनी क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैंने नहीं समझा है, लेकिन जब भी एसआर आएगा, ये एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, इसके पीछे देखना, एसआर इक्विटी वाले मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले, कुछ शेयर होल्डर्स है जिनके पास क्या ज्यादा पावर है, ज्यादा वोटिंग पावर है। अगर लिस्टेड कंपनी के पास क्या है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स है, मान लो मुकेश अंबानी ने अपने पास ये सब रखे सुपीरियर वोटिंग पावर वाले, तो उन्होंने बोल दिया सुनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रखो, हाफ रखो, क्योंकि भैया आपके पास ज्यादा पावर है ना। वापस अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी इशू कर रखे हैं सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स, तो ये किसके पास होंगे, इन्हीं के पास होंगे, मुकेश अंबानी के पास ही होंगे, तो ये अपनी मनमानी कर सकते हैं बोर्ड मीट जनरल मीटिंग में। अगर ये अपनी मनमानी कर सकते हैं तो भैया हमें फिर क्या करने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, हाफ, अदरवाइज वन थर्ड से भी काम चल जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब इस केस को एक बार रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है, आंसर मत रीड करना बच्चा। वो प्रमोटर है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और क्या लिखा है, एक्स वाई जेड आर प्रमोटर्स, मिस्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्रमोटर है एबीसी लिमिटेड के, मिस्टर एक को क्या बना दिया, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, इज ऑल्सो रिलेटेड, दोनों रिलेटिव निकले, तो आधे रखने पड़ेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, आधे। क्लियर बच्चा, चले खुश हो जाओ। ये कब आया था, अप्रैल, अब ओमिट कर दिया गया, हट गया ओमिटेड। अभी जो अमेंडमेंट आए हैं दिसंबर एटम के बच्चों को भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप तो और पुराने, सॉरी और न्यू हो, जून वाले 2023, तो आपके सिलेबस से ये हट गया है, काट दो, काट दो, अब इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगी, खुश हो जाओ। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, चलो तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, खुश।